Don't forget like, share, comments and subscribe to the best Islamic channel and page Faruqi Media Service on YouTube and Facebook. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي यहाँ इस खानकाह में इस मदरसे में हाजिरी मेरे लिए और जो भी आवे उसके लिए सआदत की बात है। अल्लाह पाक अपने नेक बंदों की शफ़क़तें मयस्सर फरमाए और हमको और आपको दीन की समझ और फिक्र नसीब फरमाए। यहाँ मैं समझता ये हूँ कि आज के दौर में इस तरह के मराकज़, इस तरह की इस्लाही किस्म की दरसगाहें जहाँ इल्म ज़ाहिर भी दिया जाए और इल्म बातिन भी दिया जाए। हमारे बुज़ुर्गों में शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी कुद्दुस अल्लाह पाक उनके फ़ैज़ व बरकात को आम फरमाए, हज़रत के यहाँ जब बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस होती थी उस वक्त जितने तलबा 20-25 रहते होंगे, 40-50 रहते होंगे, जितने भी हों, सब लोग दीवाना वार बैत होते थे। तालिब इल्मी के ज़माने में हज़रत बैत नहीं करते थे किसी को, बराबर से बात। एक बुज़ुर्ग थे, शायद नाम हमारे पड़ों ने सुना हो, हकीम वसी अहमद साहब, ये कुरकपुर में रहते थे, अकाबिर से उनका बहुत ताल्लुक। हज़रत अक़दस हकीमुल उम्मत मौलाना शेख अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ भी बहुत ज़्यादा तकर्रुब इनको हासिल था, और हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के पास इन्होंने लिखा कि हज़रत मैं बैत होना चाहूँ और मैं तालिब इल्मी का ज़माना ख़त्म हो जाएगा तो बैत करूँ। तो फिर दरख्वास्त की तो हज़रत ने फरमाया वो पर्चा ला के दिखाइए। पर्चा देखा तो अभी तो आपका दौरा है का, ठीक है, जब दौरा भी हो गया तो आए उनके पास कहा अब मैं बैत। हज़रत अक़दस हकीमुल उम्मत मौलाना शेख अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ भी कुछ मामूलात थे और उन मामूलात की पूरी पूरी पाबंदी होती थी, लेकिन मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये कि इल्म ज़ाहिर भी और इल्म बातिन भी। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा कुरान मजीद में फरमाया गया कि आपके कुछ काम हैं, अल्लाह ताला ने आपकी ड्यूटी लगाई है उन कामों को। यह यूँ कहिए कि अल्लाह ताला ने मुतय्यन फरमाया है कामों को कि ये काम आप कीजिए। वो क्या? किताब की तालीम देना, जाहिर और बातिन दोनों को पाक साफ करना। आप सुन रहे हैं और मैं कह रहा हूं, ना हम समझ रहे हैं, कहने वाला भी नहीं समझ रहा और सुनने वाला भी नहीं समझ रहा।
तबलीग करना, तालीम देना, अब समझ में आ रहा है, तज़किया करना यानी दिल के ऊपर जो गर्द व गुबार है उसे साफ करना, उसमें टाइम लगता है, ऐसे नहीं होता। तबलीग वाले आपसे नहीं कहते कि चिल्ला चाहिए, एक चिल्ला, दो चिल्ला, चार चिल्ला, और हम लोग आगे बढ़ बढ़ करके उसमें हिस्सा लेते हैं। अल्लाह पाक कबूल फरमाए, अल्लाह पाक नेकियों की तौफीक नसीब फरमाए और हमारी खामियों से दरगुजर फरमाए। ये इतना बड़ा मसला कैसे हो गया? ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हमारे अल्लाह ताला इनकी, इनके फैज को जारी फरमाए ज्यादा से ज्यादा, और इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, और खैरियत के साथ बहुत दिनों दीन की खिदमत, मुसलमानों की खिदमत, अवाम की खिदमत करते रहे। अल्लाह पाक हमको और सबको, आपको सबको मुस्तफीद होने की तौफीक नसीब हो। ऐसे थोड़े होगा, पहले दस्तरखान बिछाना सिखाया जाए, पहले पानी पीना पिलाना सिखाया जाएगा, पहले लोटा हाथ में लेना। हजरत मौलाना अब्दुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा तशरीफ ला रहे मस्जिद से, बहुत सारे हजरत के सब शागिर्द हैं जितने पढ़ाने वाले, रुक गए जो, कहने लगे आप लोगों को कोई मुनकर नहीं नजर आ रहा है? अब लोग जो है चौंक जा गए कि अल्लाह ये मुनकर यहाँ कहाँ पर है, किस चीज को मुनकर कह रहे हैं? काफी दो एक मिनट वहाँ ठहरे रहे, रुके रहे मस्जिद और घर के रास्ते। कहा हजरत हम लोगों को तो कोई मुनकर नहीं नजर आ रहा, फरमाया लोटा टेढ़ा पड़ा हुआ ये मुनकर नहीं, ये भी सिखाया जाए, ये भी सिखाया जाता था, ये भी बताया जाता। मामूलात, औकात की रियायत, मेहमान की रियायत, सब चीज़ों की तालीम हो गई। यही एक वाकया इसके ऊपर याद आया। समदन जो है वह हजरत का बहुत ख़ास मरकज़ है, गुरसहाएगंज के पास, लखनऊ के रास्ते में, लखनऊ से अगर कोई आदमी एटा जाए तो रास्ते में पड़ेगा, अब पता नहीं क्या हिसाब है। हजरत ने मुझसे फरमाया कि समदन के लिए एक तारीख दे दो। मैंने हजरत तारीख देना क्या, आप हुक्म दीजिए, जब जाना हो आप बता दीजिए। मैं समझा था कि हजरत भेज देंगे मुझे, वहम गुमान में भी नहीं था कि हजरत तशरीफ ले जाएंगे। तो खैर कोई तारीख बताई हजरत ने कि इस तारीख में आना है, खैर मैं पहुंच गया। सुनने वाली बात है, इसको बहुत गौर से सुनना। जब वहाँ पहुँचे तो कोई आदमी भी नहीं स्टेशन के ऊपर, और मैं बिल्कुल अजनबी नया, कहाँ जाऊँ क्या करूँ, सब बिदतियों का इलाका। तो जब इक्के पर बैठने लगा, इक्के दो मील ढाई मील वहाँ से इक्के पर बैठ करके या कोई और सवारी हो तो उसके ऊपर, तो वो मैं बैठने लगा तो देखा एक साहबा और उनके पीछे दो आदमी और, आप कहिए नाम है। मैंने कहा जी। तो खैर कहने लगे कि मैं आपके लेने आया हूँ। चलिए बात, हजरत ऊपर आराम फरमा रहे तो वैसे ही लेटे हुए थे, अब आप बैठे हुए थे। तो खैर मैं सबसे पहले हजरत से मुसाफा करने के लिए गया। कई बजे गाड़ी आई, कौन कौन स्टेशन पर मौजूद था? हमने कहा था गाड़ी फला वक्त आई, स्टेशन पर कोई नहीं है। जब बाहर निकल के इक्के पर बैठने लगा मैं तो दो साहब आए, मैं उनको जानता नहीं, कौन गया था लेने के लिए, चला जाओ मेरे को बुला। क्यों साहब, आपको मैंने गाड़ी का टाइम बताया था? काजी बताया था, फिर आप देर में क्यों पहुंचे? हजरत वो तो लेट आती है रोजाना। फरमाया एतबार लेट का किया जाएगा या एतबार टाइम का किया जाएगा? आने का टाइम क्या है ये हमने आपको बताया था। कहना हजरत गलती भी आई हुई, सौ सौ रकात नमाज पढ़ करके नफिल, और आप कल हमको बताइए कि मैं हमने पढ़ ली, यह है इस्लाह हाल के लिए। इस्लाह हाल जिसे कहते हैं, ऐसा आदमी दोबारा फिर कभी कोई गलती नहीं करे कि शेख
कोई मार नहीं रहे, डांट नहीं रहे, लेकिन तरबियत के जो तरीके हैं उनको इख्तियार कर रहे हैं। फिर सवाल ये पैदा होता है कि इतना लंबा टाइम क्यों? कोई बुखारी तो पढ़ाना नहीं, मुस्लिम तो पढ़ाना नहीं, ये अल्लाह वाले जो हैं वो साल दो साल चार साल पांच साल धुनक रहे हैं अपने मुरीदों को, और आ रहे हैं मुरीद उनके पास और उनके साथ ताल्लुक कायम किए हुए हैं और वो उनके साथ पीछे पीछे जा रहे हैं। ये सब मनाजिल सुलूक है, याद रखिए, ये सब मनाजिल सुलूक। जैसे अल्लाह 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 हम लोग कहते नहीं कहते, तस्बीहात अपने अकाबिर की बताई हुई तरीके के मुताबिक खास वक्त में खास अंदाज से बैठ कर हम तस्बीहात पढ़ रहे हैं। कितने दिनों? एक साल, दो साल, दस साल, बीस साल, चल 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 रहा है मामला। और वो जो दुनिया से जा रहा है 70-75 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में, वो आज भी अपने आप को तिफले मकतब और नाकाम, यो समझ चाहिए कि तिफले मकतब समझ रहा है अपने आप को और समझ रहा है कि हमको कुछ आए ही नहीं। ये है तरीका। और फिर यह है कि सहाबे इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन से कितनी मेहनत करवाई गई। मेहनत तो उनकी जिंदगी से इबारत, मेहनत तो बस क्या है इसको तो कोई नहीं समझ सकता। अलबत्ता 50 साल में, 60 साल में, 70 साल में, 80 साल में, 100 साल में आज कोई आदमी जितनी मेहनत करे हुजूर की एक नज़र में उससे कहीं ज़्यादा मर्तबा बुलंद हो जाएगा जितना 70 साल अल्लाह अल्लाह करने में बुलंद हुआ। क्यों? जितने जितना वास्ता दूर होता जाएगा सूरज से, जितना वास्ता दूर होता जाएगा उतनी गर्मी भी कम होती जाएगी, और जितना करीब, आज तो सूरज के करीब कोई जा नहीं सकता, अगर कोई पहुंच जाए तो ख़त्म हो जाए, सूरज के करीब कोई जा नहीं सकता। अल्लाह के आखिरी पैगंबर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत उन लोगों को नसीब है जिनको अल्लाह ने चुना है, जिनको अल्लाह ने मुंतखब किया है। मैं नहीं कह रहा हूँ, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला ने फरमा रहे हैं और खुद हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अल्लाह ताला ने नबुव्वत के लिए कल्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना और आपकी सहाबियत के लिए सहाबे इकराम को चुना। मालूम यह हुआ पहले से तालीम नबुव्वत को बर्दाश्त करने की कुव्वत इनको अता की गई, और ये लोग आते थे एक लम्हे के लिए, अगर हजरत के पास कोई मुलाकात कर ले लाखों लाखों लाखा लाख साल की इबादतों से बढ़ जाए। एक सहाबी है अभी मुसलमान हुए और उसी वक्त उनकी शहादत हो गई, उसी वक्त शहादत हो गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के देखा, कहा अच्छा अब इधर से जाओ लड़ने के लिए। वाकया तफसीली है, मैं जानबूझ करके उस तफसील में नहीं जाना चाहता। वो आगे बढ़े, एक कदम रखा किसी ने गर्दन मार दी। हुजूर के साथ ना वजू किया, ना हुजूर के साथ नमाज पढ़ी, ना हुजूर के साथ इकामत कही, ना हुजूर के साथ कोई काम और दीन का किया, ना हुजूर के पास बैठे, ना मजलिस नसीब हुई, ना गुस्ल किया, ना वजू किया, कुछ भी नहीं, बस मुलाकात हो गई। आपको मालूम है दुनिया भर के पाक दामन मुसलमानों को तौल दिया जाए इनका ही वजन ज्यादा होगा जिन्होंने एक लम्हे हुजूर की ज़ियारत की। इसको कहते हैं सोहबत। ये वहां से चला है हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबियत तो नसीब नहीं है किसी, ना कोई सहाबी बन पाएगा। क्यों? जैसे जैसे खत्म नबूवत है ऐसी खत्म सहाबियत है। नबूवत से सहाबियत का ऐसा ताल्लुक है जैसे सूरज से उसकी शुआ का ताल्लुक। ये धूप जो है, ये शुआ जो है, ये सूरज नहीं है, ये सूरज से मुस्तफाद हो रही है, ये सूरज की रोशनी आ रही है,
ऐसे ही नबुव्वत की रोशनी से जो मिजाज बना है, जो माहौल बना है, वो हजरत सहाबे इकराम का सबसे पहले बना। पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं उनके बराबर क्यों नहीं पहुंच सकते। इन्होंने इनका कल्ब को साफ किया है हुजूर की नजर, हुजूर की तवज्जो ने। आपने ईमान कबूल कर लिया, अल्लाह ने कबूल कर लिया, बस काफी है। आपने इनको जन्नती कह दिया, अल्लाह ने उनको जन्नती कह दिया। इसलिए कि कुरान में लिखा है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा, ये अपने तरफ से तो कुछ कहते ही नहीं, जो हम इनके दिल में डालते हैं वही बोलते हैं, जो इनके दिल में हम डालते हैं वही बात ये जुबान से निकालते हैं। जो अल्लाह के जो रसूल का कहना माने वो अल्लाह का कहना मानने वाला। ये बात मैंने क्यों कही, इसलिए कि दीन को हासिल करने के लिए सोहबत भी जरूरी है, तालीम भी जरूरी है और तबलीग भी जरूरी है। कोई आदमी ये कहे कि साहब हम तो खानकाह जाते हैं मगर हमको ये जो मैं बयान कर रहा हूं ये भी तबलीग, हजरत जो बयान फरमाए वो भी तबलीग। क्यों? इसलिए कि तबलीग के तरीके जो हैं वो तो ये है कि दीन को फैला देना, दीन को उन लोगों तक पहुंचा देना जिनको जरूरत है दीन। अगर कोई आदमी किसी को एक मसला बता रहा है कि देखो भाई नमाज को नमाज की तरह पढ़ो, मैं हजरत मौलाना इब्राहिमुल्लाह साहब वाली बात कर रहा हूं, फरमाया नमाज को घटिया ना, कोई चीज होती है घर में ये दरवाजा लगेगा आला से आला, बेहतर से बेहतर, बेहतरीन किस्म की लकड़ी, आला दर्जे के कारीगर, और वो चीज जो है वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास होना चाहिए। चाय की मिसाल देते थे कि चाय घर में बनती है कि स्टेशन पर मिलती है, घर की चाय में और स्टेशन की चाय में कुछ फर्क है नहीं। इसी तरीके पर अपनी फर्स्ट क्लास की जिंदगी के लिए जो चीजें जरूरी हैं उसका नाम है तालीम, तबलीग, तज़किया। तालीम भी चाहिए, तबलीग भी चाहिए। तबलीग को मुनहसर न करो, तबलीग बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज है तबलीग। हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने जो तरीक़ेकार मुतय्यन फरमाया, क्या कहना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इसके अलावा जुमे में जो बयान होता है वो भी तबलीग है, और अगर कोई मसला किसी को बता दिया जाए तो वो भी तबलीग है। तबलीग का उन्वान बहुत ज्यादा वसी है, तालीम का उन्वान बहुत वसी है, तज़किये का उन्वान बहुत वसी है। लिहाजा ये तीन चीजें ऐसी हैं, ये उमूमन देखा गया है हमारे यहाँ कि जहां कहीं इस्लाही मरकज होता है वहां मदरसा भी होता है। क्यों? अगर मदरसे में अजान सीखेंगे नहीं तो देंगे कैसे? अगर मदरसे में नमाज पढ़ने का तरीका मालूम नहीं करेगा तो सुन्नत के मुताबिक फर्स्ट क्लास नमाज पढ़ेंगे कैसे? हजरत मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह पाक उनके दरजात को बुलंद फरमाए, अल्लाह पाक उनके मरातिब को बुलंद फरमाए। तालिब इल्म को खड़ा करते थे बड़े हजारों के मजमे, खुद मेरे हजरत तशरीफ लाए, हजारों का मजमा तालिब इल्म को खड़ा किया, देखो नमाज में सीधे खड़े हो। ये नहीं कि थोड़ा बुजुर्गी में झुके हो, झुकने उठने से नहीं काम चलेगा, अल्लाह को जैसा पसंद है वैसा करो। ये ज्यादा बुजुर्गी कोई आदमी अगर इख्तियार करेगा तो वह वही होगा, काम खराब हो जाएगा, असली काम रह जाएगा और ये नकली काम बढ़ जाएगा। असली काम हजरत बताते सीधे खड़े हो और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। नियत कैसे करो? बहुत सारे लोग ऐसे नियत करते हैं, बहुत सारे लोग कुछ नहीं वही हाथ कर लेते हैं। हजरत फरमा देते इस तरह से क़िबले की तरफ दोनों हाथ होना चाहिए, कानों की लोड। ये सब क्या है? दीन को अच्छा करने के लिए, दीन को अच्छा बनाने के लिए नमाज से ज्यादा बढ़कर के कौन चीज होगी? दीन, नमाज,
आला दर्जे की इबादत नमाज पर मेहनत करो, नमाज पर मेहनत करो। लिहाजा ऐसी सूरत में हमको हमारा रुजू होना चाहिए, हमको मुतवज्जे रहना चाहिए उस तरफ। हमारे जो बुजुर्ग हैं, चाहे यहां हो चाहे हिंदुस्तान, वो सब तड़प रहे हैं। इसीलिए आज हमारे ऊपर जो परेशानियां आ रही हैं, जो मुसीबतें आ रही हैं, क्या मालूम ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम दीन को बिगाड़ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम दीन की हकीकत को बदल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम आर्टिफिशियल तौर पर मुसलमान बने हुए हैं, जाहिरी मुसलमान बने हुए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं? गौर करना चाहिए, कितने लोग हैं जो अपना मुहासबा खुद करें? कितने लोग हैं? अगर मुहासबे का नाम ले लिया जाए तो पहले तो ये पूछेंगे मुहासबा है क्या चीज, ये इंटरनेट पे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, मोबाइल पे होगा या नहीं होगा। अरे भाड़ में जाए मोबाइल, एक मोबाइल और भाड़ में जाए इंटरनेट, इसने तो खटिया खड़ी कर दी है इंसानियत, इंसानियत को बर्बाद करके डाला। मैं मेरे कहने से कोई आदमी बाज आ जाएगा? हरगिज नहीं बाज आएगा। लड़कों को देखिए, ले आपके अंदर लेटे देख रहे हैं, चादर ओढ़े लेटे अंदर देख रहे हैं, अल्लाह जाने कौन कौन से मुदिर असरा जिस्मानी तौर पर उस पर पड़ते हैं, लेकिन देख रहे हैं। ये सब रेल पर जब सफर करें तो सब नजर आता है कि आपस कि सारी सारी रात उसी में मुनहमिक है। अल्लाह क्या चीज है? आए सर्दी के जमाने में, जनवरी के जमाने में वो शदीद सर्दी होती है वहाँ भी, यहाँ तो इंतज़ाम है, वहाँ इंतज़ाम ही नहीं होता। और एक साहब ईशा की नमाज से पहले आधा घंटा पहले खड़े हुए मोबाइल देख, नमाज पढ़ के आए तब भी उनका मोबाइल खत्म नहीं हुआ, बात हो रही है। मैंने कहा किससे बातें कि तुम्हारी बातें खत्म ही नहीं होती? और यहाँ कुछ दीवाने गए थे मस्जिद में, तुमने जाते हुए नहीं देखा? मोबाइल देख रहा था। मैंने कहा जाते हुए देखते मार डाले आके कि सामने से बंदूक लेके चाकू लेके मार दे, तुम्हें नहीं पता चलेगा? अल्लाह के बंदो गौर करो, गौर करो कि आज हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। दीन सीखो, दीन की इज्जत करो, वैसे नहीं होगा। दीन की एक एक बात को कीमती जानो तब काम बनेगा। ये बातें जो आप कह रहे हैं तो अगर दुनिया में बताई जाए तो लोग कहे तो पागलपन है, रोजाना इसी तरह की बातें आई जाती हैं। ये पागलपन नहीं है, ये असली बात। आज हमारी जड़ें काटी जा रही, क्यों? इसलिए खुद पहले हम अपनी जड़ काट रहे। सचमुच मुसलमान वो जो तालीम से भी लगा हो, तजकिए से भी लगा हो और तबलीग से भी लगा हो, इंशाल्लाह काम बनेगा, काम बनेगा। लेकिन चूड़े दुरुस्त कर ले। मैं करीब करीब सब तकरीरों में मैंने ये बात कही, ये जो आप कहने जा रहा कि जो चारपाई के अंदर, पहले जमाने में चारपाइयाँ होती थी, ये डबल बेड जो होता है ना, ये तो होता नहीं था, तो चारपाई की के अंदर चूल होती थी, यानी एक बांस को दूसरे बांस में फंसाने के लिए कुछ इस बांस की तरफ में से काट दिया, और अगर कुछ खाली है तो उसमें कुछ खपच्चियाँ ठोक दी ताकि ये सही हो जाए। इस तरह से अगर कहीं से कम होगा तो चारपाई उलार हो जाएगी, आगे का पाया उठ जाएगा या पीछे का पाया उठ जाएगा, इस तरह से होता है आज हमारा यही है। लिहाजा हम लोगों को, आपको सबको, अपने हम अपनी इस्लाह की फिक्र करें। मुहासबा हमारे अंदर, गीबत कितनी, गीबत हम कहाँ कहाँ करते हैं। और अगर कहा जाए आप गीबत कर, मैं बुराई की नियत से लेकर, अच्छा अल्लाह मियां ने नियत भी शर्त लगाई है, कहीं नहीं शर्त कि नियत नियत हो गीबत की तो ठीक है, वरना जूते मारो बगैर नियत किए हुए कोई हरज नहीं। आप सोचिए जरा, मरे हुए भाई का अल्लाह पाक की कसम सही कहना, कुरान में लिखा है मरे हुए भाई का गोश्त खाना। हम अपनी जुबान में कहते हैं मरे हुए भाई का सड़ा हुआ गोश्त खाना। आप सोचिए जरा सा, हम ठाट से बैठे मस्जिद में गीबत कर रहे हैं। अल्लाह के बंदो डरो अल्लाह से, क्या अल्लाह ताला जिसके कब्जे में सब कुछ है, एक आदमी तुम्हारे लड़के को मारे, पकड़ के जेल में डाल दे, तुम गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? ये तो हमारा हाल है। और अल्लाह तबारक व ताला
जो कहार भी है, सत्तार भी है, रहीम भी है, रहमान भी है, सारी सिफतें उसकी हैं। वो जो चाहे, जब चाहे, जिसके साथ चाहे, जो कुछ चाहे करे, उसको कोई पूछेगा। अल्लाह ने कानून हमारे लिए बनाया, हमको उसकी ताबेदारी करना चाहिए। अपना मुहासबा खुद करें। हम झूठ कितना बोलते हैं, दूसरे दिन सोचे कि आज हम झूठ इतना बोले हैं, कुछ कमी आई या नहीं आई। अगर धीरे धीरे कमी आ गई, काम बन जाएगा। नजर की हिफाजत कितनी की है, क्या हिफाजत? हम तो तलाश कर करके अपने मनपसंद फोटो निकाला करते हैं मोबाइल में, क्यों फोटो देख? अल्लाह के बंदो, नजर की हिफाजत करो, काम बनेगा। निगाह दुरुस्त हो, कान दुरुस्त हो, ये तो जाहिर, कान दुरुस्त हो, दिमाग दुरुस्त हो, दिल दुरुस्त हो, पूरे आगा दुरुस्त हो, तब जाके मुकम्मल सेहतमंद इंसान कहलाएगा। और अगर दुरुस्त नहीं है तो याद रखो कि सेहतमंद और मुकम्मल इंसान मुसलमान, सेहतमंद इंसान नहीं कहलाएगा जिसके आजा दुरुस्त ना हो जाहिरी और बातिनी। यह है हकीकत मदारिस की, यह है हकीकत खानकाहों की, यह है हकीकत तबलीग करने वालों की, कि जो मैंने आपके सामने अर्ज किया। अल्लाह ताला हमको आपको सबको तौफीक मजीद नसीब फरमाए। ये चंद बातें, मैं तो हजरत से मुलाकात करके चला जाता, मुझे मिल जाता, हजरत की तवज्जो हो जाती, ये काफ़ी था मेरे लिए। लेकिन उन्हीं का हुक्म हुआ कि कुछ बयान करना है, लिहाजा मैं हाजिर हुआ, और अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और अपना फर्ज फरमाए। सुभानअल्लाह व बिहमदिही, सुभानअल्लाह व बिहमदिही, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, या रब्बि सल्लि व सल्लिम व बारिक अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ऐ अल्लाह, अपने करम से, अपने फज़्ल से हमारे बिगड़े हुए तमाम कामों को बना दे। ऐ अल्लाह, हमारी इस्लाह फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमारे इस्लाह के जो सही तरीक़े हैं उन पर हमें लगा दे। ऐ अल्लाह, अपने करम से, अपने फ़ल्द से बुजुर्गान दीन की सोहबत हमें अता फरमा। ऐ अल्लाह, अपने करम और अपने फ़ल्द से गुनाहों से बचने की हमें सआदत अता फरमा, नेकियां करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, तालीम, तबलीग और तज़किए की तरफ हम पूरी पूरी मेहनत करते रहें और हमारा काम बन जाए। ऐ अल्लाह, अपने करम से, अपने फ़ज़ल से हमारी दुआओं को अपने हबीब के सदक़े में कबूल फरमा लो। आमीन या रब्बल आलमीन, बिरहमतिक या अरहम अर्रहमीन। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू द बेस्ट इस्लामिक चैनल एंड पेज फारूकी मीडिया सर्विस ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक।